अगर बहुत सारे फोर्स किसी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट करे तब हम एक ऐसा पॉइंट उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ढूंढते हैं जो कि उस बॉडी के इनसाइड हो सकता है और वो पॉइंट जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट कुछ इस तरह से बिहेव करेगा मानो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उस सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों और उस सिंगल पॉइंट का मास कुछ इस तरह के से बिहेव करेगा जैसे उस पूरी बॉडी का मास उस सिंगल पॉइंट पर सेंटर्ड हो चलिए हम इसे एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए आप कोई बॉल एयर में थ्रो करते हैं तब हम अपने प्रीवियस नॉलेज से ये जानते हैं कि इट विल ट्रेसेस आउट एंड पाथ कॉल्ड पैराबोला सो एयर में थ्रो की गई बॉल पैराबोलिक पाथ ट्रेस करती है लेकिन तब क्या होगा जब हम किसी बड़ी साइज़ के ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाता हुआ एयर में थ्रो करें मान लीजिए हम किसी सर्कुलर शेप की डिस्क को एयर में थ्रो करते हैं जो कि स्पिन करती हुई एयर में मूव करती है तब अगर हम इस डिस्क को ध्यान से देखें और इसके रिम पर किसी एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेट करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस नहीं करता है लेकिन फिर भी इस पूरी सर्कुलर डिस्क में एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि यहाँ पर सेंटर है वो अभी भी पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा इसका रीज़न है कि सेंटर ऑफ माथ मास कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जो टोटल फोर्स है वो इस सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करे, और यहाँ पर टोटल फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जिसके अंडर में मूव करने पे ये पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है अगर हम समराइज़ करें तो सेंटर ऑफ मास के बारे में दो खास बातें हैं जो उभर कर आती हैं फर्स्ट तो ये कि ये पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरह से बिहेव करता है मानो पूरे सिस्टम का सारा मास उसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड हो और दूसरा ये कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की सम इस तरह से बिहेव करेगी मानो वो एक सिंगल पॉइंट सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहे हों और फिर हम बात करते हैं अगर हमारे पास दो पार्टिकल का कोई सिस्टम है तो उनका सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकाला जा सकता है उसके लिए क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है सो so, सेंटर ऑफ मास का दो पार्टिकल्स के लिए फार्मूला होगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू यहाँ पर एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली दोनों मासेस है और एक्स वन एंड एक्स टू दोनों की पोजिशन है वट डज दिस फॉर्मूला मीन इस फॉर्मूले का क्या मतलब है इसे समझने के लिए मान लीजिए हम दोनों मासेस को इक्वल ले लेते हैं एम वन और एम टू दोनों की वैल्यूज हम एम के इक्वल ले लेते हैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोनों मासेस को ड्रॉ किया गया है दोनों इक्वल मासेस हैं एम वन का कोऑर्डिनेट एक्स वन है एंड एम टू का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू है और फिर इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से दिया जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाय एम प्लस एम यहाँ पर एम वन और एम टू दोनों की वैल्यूज एम के इक्वल रखी है और फिर हम ऊपर m को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं और फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के m को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू ये x1 और x2 का एक तो एवरेज है और दूसरा ये कि ये m1 और m2 के बिल्कुल मिड पॉइंट पर सिचुएटेड है तो यहाँ पर हमें आइडिया लगता है कि सेंटर ऑफ मास एक तरह का एवरेज पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सारे कंस्टिट्यूएंट मासेस की एवरेज पोजीशन है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में है क्योंकि दोनों मासेस इक्वल लिए गए हैं तो एक तरह का एवरेज पोजीशन है सेंटर ऑफ मास अब हम जनरल केस में कंसिडर करते हैं जब दोनों मासेस इक्वल नहीं हो और इसके लिए मान लीजिए हम एम को कोई स्पेसिफिक मास लेट से वन ग्राम मान लेते हैं और M1 को दो ग्राम के इक्वल मान लेते हैं मतलब एम वन को ट्वाइस ऑफ एम टू कंसिडर किया गया है और इस कंडीशन में डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा एम टू का मास वन ग्राम है जबकि एम वन का मास एम टू से डबल है दो और दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वन एंड एक्स टू है और हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास एवरेज पोजिशन होगी तो हम यहाँ पर एम वन को जो कि इसका मास दो ग्राम है उसको हम दो वन ग्राम के मासेस से बना हुआ मान सकते हैं और एम का मास वन ग्राम है सो so, हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास तीन मासेस हैं, जिनकी हमें एवरेज पोजिशन निकालनी है सो so, x1 को दो बार काउंट किया जाएगा क्योंकि M1 को दो वन वन ग्राम के मासेस से बना हुआ माना गया है और फिर वन टाइम्स x2 को काउंट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास तीनों का मिला करके तीन ग्राम होगा और फिर यहाँ पर x1 और x1 को ऐड करने पे हमें मिलेगा टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय थ्री ग्राम सो हमने ये देखा कि हमने मास एम वन को की पोजीशन को उसके मास से मल्टीप्लाई किया है और एक्स टू को उसके मास से तो हमने देखा कि जब हम एवरेज पोजीशन निकालते हैं तो हर एक मास को उतनी बार काउंट किया जाता है जितनी बार उसका मास है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द मास विल बी काउंटेड इज प्रपोर्शनल टू देअर मासिस और इसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड नहीं है ये स्लाइटली हेवी मास की तरफ शिफ्टेड है अगर हमारे पास सिर्फ दो मासेस की जगह कोई सिस्टम ऑफ मासेस होता जिसमें M1, M2, ऑल द वे टू Mn एन मासेस होते और रेस्पेक्टिवली उनके एक्स कोऑर्डिनेट X1, X2, ऑल द वे टू Xn होते हैं और सभी मासेस का जो टोटल मास है वो होता कैपिटल M ऐसी कंडीशन में सभी एम आई प्रोडक्ट विथ एक्स आई को समेशन किया जाता और टोटल मास से डिवाइड कर लिया जाता इसी तरह से अगर थ्री डायमेंशन में वाई और जेड कोऑर्डिनेट भी निकालना हो तो हम सिमिलर फॉर्मूला का यूज करके एक्स वाई और z तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में और डिटेल से जानेंगे हम रिजिट बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे कुछ ट्रिक्स है सेंटर ऑफ मास निकालने की और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और आप हम मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं एंड फील फ्री टू पर्सनल मैसेज मी फॉर एनी डाउट्स एंड